मैंने बोला था कहां कहां पे अटैक होगा और वो अटैक वहीं वहीं पे शुरू होना कैरी ऑन हो गया बिल्कुल। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया है। सिमनान के अंदर बोला जा रहा है अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 4.5 है। यहां पे लोग कह रहे हैं कि खाक हो गया हमास। हमास कह रहा है खाक से दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये अर्थक्वेक नहीं है। ईरान ने सीक्रेटली जो है एटमी वेपन्स को अंडरग्राउंड टेस्ट कर लिया गया। और अगर ये बात सच होती है तो ईरान इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो कहता है कि नहीं यार हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम वहां पे सिविलियंस को मार रहे हो। इजराइल ये कह रहा है कि यार हमास को कोई कुछ नहीं कह रहा, हिजबुल्ला को कोई कुछ नहीं कह रहा, ये तुम्हारे बड़े सगे बड़े लड़ले बन गए। दुनिया का 10वां ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसके पास एटमी हथियार है। अगर इसराइल की बात करें तो वो काफी टाइम से ईरान को टारगेट का निशाना बनाने की बात कर रहा है, ईरान के जो है एनर्जी सोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। हम सिविलियंस को मार रहे हैं, ये सिविलियंस के बीच में रहते हैं इसलिए वहां पे कोलैटरल डैमेज हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा कड़क जवाब दिया है। इसने बोला है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, कि क्या कर रहे हो तुम, हम तुम्हारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं यार, दुनिया भर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, द वर्ल्ड मस्ट सपोर्ट अस। तो हो सकता है कि ईरान ने ये करके दिखा दिया। बहुत से आर्टिकल्स दुनिया में इस वक्त छप रहे हैं जिसमें ज्यादातर ये बात की जा रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया। दोस्तों अगर हम ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की बात करें तो उन्होंने एक फतवा जारी किया था। ईरान को अगर ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर खतरा है तो ईरान दुनिया को एक मैसेज देने के लिए एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इसका मतलब कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस लेवल पे पहुंच गया है कि ईरान कभी भी जो है एटमी वेपन्स नहीं बनाएगा क्योंकि उनकी नजर में ये हराम है। तो क्या जो है ईरान अपने फतवे को चेंज कर रहा है, अपने फतवे से पीछे हट रहा है? बहुत ही जबरदस्त खबर है। क्या ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें एक नया मोड़ आ गया? क्या दोनों एटमी वेपन्स के साथ लड़ने को तैयार है? हमारे बंदे मरवा दिए, पाकिस्तान कहता है पैसे दे दो, कह रहे पैसे हमारे बंदे मरवा दिए, कहता और दे दो। तो चाइना उनको फंड कर रहा है और वहां पे चाइनीज बिल्कुल उनका चाउमीन बन रहा है कि हाँ सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है जहां से आतंकवादी आते हैं, ईरान से भी आते हैं। ये गाना पाकिस्तानी मीडिया गाने वाला है। झटके जो है ना ये ईरान में नहीं, ये हाँ। यूएसए में और इसराइल में लग रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे जमीन हिल गई है, ठीक है, क्योंकि जो खबर ये आज हुई है ना इससे एक हफ्ता पहले जो है ना वो बात चल रही थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये पहले पता है कि साल डेढ़ साल के उनके पास पहले ही बॉम्ब था न्यूक्लियर, बट वो सैंक्शन से डरते हुए ना कुछ लिहाज रखते हुए वो जरा चुप थे, लेकिन अब उनको पता चला है कि इसराइल हम पे हमला करने जा रहा है। जब इसराइल का उन्होंने सुना ना कि हमला करने जा रहा है, उन्होंने कहा ऐसे नहीं। अच्छा। अब मुझे ये लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज में अगर कोई गैरतमंद मुस्लिम कंट्री है ना तो हाँ। वो ईरान है। अच्छा। अब बात करते हैं जी टेररिस्ट को, टेररिस्ट अब गोरों के पास एक ही फार्मूला है हाँ। कि जिसको उन्होंने तबाह करना उसको कहते हो जी टेररिस्ट है। अच्छा। क्या हमने उनको रजिस्टर रह के दिए हुए हैं? अच्छा। तो वो डिसाइड करेंगे कौन टेररिस्ट है? अच्छा। गोरा मारे किसी को मुस्लिम हाँ। को हाँ। तो वो हो गया वॉर, और अगर मुस्लिम अपने बदले में अपने आप को डिफेंड करते हुए अटैक करे तो वो हो गया टेररिस्ट हाँ। ये अब टोपी ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, ठीक। अगर ईरान ने ये स्टेप लिया है हाँ। ईरान ने बिल्कुल अच्छा किया है हाँ। मैं ईरान के साथ हूँ एज अ पाकिस्तानी साथ हूँ हाँ। लेकिन मैं जंग कभी भी नहीं चाहता। सही हो गया। मैं नहीं चाहता कि किसी जगह पे जंग हो, मासूम की जान जाए, अगर कहीं से भी जान जाएगी इंसानियत की जाएगी, बट अगर कोई हठधर्मी पे लगा हुआ है जिस तरह इसराइल है, जिस तरह नेतन्याहू है, इसराइल बड़े अग्रेसिवली जो है बढ़ रहा है अपनी वॉर में, फलस्तीन में देख ले, ईरान में देख ले, लिबनान के अंदर देख ले, उधर शाम में देख ले, सीरिया में देख ले, कह रहे इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। इसलिए तो बाकी मुस्लिम कंट्री सत्तू पी के सोई हुई है ना। अच्छा, सो गई वो आईसी, सोई हुई है सत्तू पी के, सोई हुई है। अच्छा। उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, मतलब सिचुएशन ये देख ले कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि दिन में बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है, हर जगह पे शहादतें हो रही हैं, लेकिन ये आज से नहीं हो रहे हैं, ये कितने अरसे से हो रही हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे आपने कहा लोग मर रहे हैं, सिविलियन मर रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, इसराइल और इंडिया का रोल को बहुत इंपॉर्टेंटली इस जंग में देखा जा रहा है, तो इंडिया ने भी ये चीज कही कि इसराइल को हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखिए कि सिविलियंस के ऊपर अटैक्स कम किए जाए। बिल्कुल सही। तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने मॉस्क के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिए। बिल्कुल जी, अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो न्यूट्रल कंट्री अगर इंडिया यहाँ पे रोल प्ले अदा कर सकता है ना। दोस्तों यहाँ पे जो हो रहा है ना पूरे इस एरिया में, आज मैं आपको बताऊंगा और जो मैंने भविष्यवाणी करी थी वो सच हो गई। मैंने बोला था कहाँ कहाँ पे अटैक होगा और वो अटैक वहीं वहीं पे शुरू होना कैरी ऑन हो गया बिल्कुल मामला, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, ये जो हम लोग कह रहे हैं ईरान, राइट, ईरान यहां पे सीरिया में जो कर रहा है, जॉर्डन में कर रहा है, इराक में कर रहा है, सऊदी अरब के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, यमन में तो ऑब्वियसली होती है ही उसके पास, इस पूरे एरिया में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ऊपर इसका हिजबुल्ला है, इधर उसका हमास है, और
जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हमास ने रॉकेट की फायरिंग कर दी इसराइल के ऊपर गाजा पट्टी से। अच्छा, यहां पे लोग कह रहे हैं कि खाक हो गया हमास, हमास कह रहा है हम खाक से दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हमास वालों को सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं कि बेटा तुम तुम्हारे जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे आका हैं ईरान में वो तो मजे मार रहे हैं यार, वो तो मजे मार रहे हैं, उनको थोड़ा ना कोई दिक्कत है, वो बैठा है अपने महल में, वो अय्याशियां कर रहा है और तुमसे कह रहा है जाओ जिहाद फी सबीलिल्लाह, ठीक है ठुको सानू की है जी। अब मैंने बोला था भाई ये अटैक यहां पे होना तय है, यहां पे अटैक होगा और आपका यहां से भी अटैक होगा, इसके जियोपॉलिटिकल कारण है दोस्तों। ये जो समुंदर है यहां पे अमेरिका का नेवी का कैरियर फ्लीट है, यानी कि यहां पे सबमरीन्स हैं, यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर तो है ही है, यहां पे हवाई जहाज हैं, यहां पे हेलीकॉप्टर्स हैं, यहां पे फ्रिगेट्स हैं, यहां पे डिस्ट्रॉयर्स हैं, यहां पे प्रॉपर अमेरिकन नेवी आ चुकी है। अच्छा जी, अब हाइफा के ऊपर अटैक है, हाइफा के ऊपर अटैक क्यों, इसका कारण क्या है, ये कारण समझने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया जो हाइफा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यहां पे अमेरिकन नेवी भी आके डॉक करती है। कुछ साल पहले गौतम अडानी की और चीनियों की लड़ाई हुई थी हाइफा पोर्ट लेने के चक्कर में, इसने बोला मेरी ये बाजी, चाइना ने बोला मेरी ये दांव मैं लगाता हूं, उसने बोला ये मेरा दांव है, उसने बोला मैं इसकी बाजी लगाता हूं, एंड में गौतम अडानी जीत गया। और जो हाइफा पोर्ट है दोस्तों ये चीनियों को बहुत खटकता है, चीनी पैसे देते हैं ईरान को, ईरान पैसे देता है हिजबुल्ला और हमास को। भारत का अगर यहां पर रसूख कम करना है, भारत का इन्फ्लुएंस कम करना है, तो बहुत जरूरी है कि हाइफा के ऊपर हमला करें, और हाइफा के ऊपर हमला होगा। ये अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके, हिजबुल्ला और हमास का इस्तेमाल करके हाइफा के ऊपर अटैक करेंगे जैसा मैंने बोला था, और अटैक हो गया है। अब मैं आपको एक दो और बातें बताता हूं, इन्होंने अटैक करा है यहां पे, एक घंटे के अंदर 100 से ऊपर इजराइल के एयरक्राफ्ट ये गए और इन्होंने इस पूरे एरिया को धुआं धुआं कर दिया, मोर देन 100 एयरक्राफ्ट इसराइल के ठोको, उन्होंने अपने F-16 भेजे, F-35 भेजे, धुआं धुआं कर दिया पूरा का पूरा एरिया। यहां से बार बार रॉकेट की फायरिंग की हम लोग खबरें सुन रहे हैं कि रॉकेट फायर हो रहे हैं यहां पे, एंड दे आर फायरिंग ऑल अलोंग दिस एक्सिस, यहां से भी फायर कर रहे हैं, यहां से फायर कर रहे हैं, यहां से। देखिए साहब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एरिया, पहले यहां पर अटैक हुआ था बेयरशेवा में, हमने आपको बताया था, अब इस पूरे इलाके में ये लोग अपने अटैक करने की बात कर रहे हैं। जॉर्डन, याद रखिएगा जॉर्डन बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इसराइल का समर्थन करता है वो, जॉर्डन भी कहता है कि पैलेस्टीनियंस को अपना देश मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जॉर्डन एक हद तक इसराइल का सपोर्ट करता है। आज की तारीख में जॉर्डन भी हाई अलर्ट पे है, जॉर्डन ने धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि फिलिस्तीनी घुसने की कोशिश कर रहे हैं जॉर्डन में, और पिछली बार जब घुसे थे तब इन्होंने जॉर्डन के अंदर बड़ा कलेश करा था। तो साहब ये जो है जॉर्डन, This is on state of high alert. मेरा मकसद जो है ना, एज अ इंसान मेरा मकसद है जंग रोके, ठीक है, अगर वो इंडिया रुकवा दे ना तो मैं सलूट मारूंगा, सही हो गया, चाहे वो जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका कंट्री है यार, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें, उनकी पॉलिसी है, बिल्कुल। लेकिन अगर इंडिया यहाँ पे आके इसराइल और फलस्तीन की जंग रुकवा देता है, इंसानियत का कत्ल होना बंद हो जाता है, तो भाई मैं शरेआम आपके चैनल पे आके सलूट मारूंगा। क्या बात है, ईरान अगर ये बात जैसे 70-80% ये खबर करेक्ट है कि ईरान ने वेपन न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि सिमनान की हिस्ट्री देखिए, आज तक ईरान की तारीख में वहां पर कभी कोई अर्थक्वेक आया ही नहीं है। ये ईरान दुनिया का 10वां मुल्क बन जाएगा और पाकिस्तान के बाद दूसरा इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। हमने तो हर जगह अपने एटम बम को लतीफे के तौर पर यूज किया, हालांकि जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज हैं उन्होंने कभी भी ना मजाक में और ना ही सीरियसली कभी भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग को या दूसरे के ऊपर अटैक करने को उस तरह से पब्लिसिटी नहीं की जिस तरह से हम कर बैठे हैं। असल में ना मसला ये है कि जिस तरह फलस्तीनी पुकार रहे ना खुदा को, ठीक है, वैसे ना हम कोई रिस्पांस नहीं दे पा रहे, सही है, खुदा बनाता है वसीला, अच्छा वसीला बनाएगा, पाकिस्तान का वसीला बनना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से हम, मैं जिसमें शामिल हूँ, हाँ। मैं पाकिस्तान हूँ ना, अच्छा। हम वसीला नहीं बने फलस्तीनियों का, अगर ईरान बन रहा है हाँ। तो हम ईरान की कम से कम सपोर्ट ही करते हैं, हाँ। कम से कम मीडिया पे आके हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो यही कहते हैं कि ईरान के साथ हम खड़े हैं, अच्छा अगर कोई ईरान की तरफ बढ़ा तो हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो कई
इससे हमारी इंपॉर्टेंस तो खत्म नहीं हो जाएगी कि किसी भी सामी कंट्रीज के पास एटम बम नहीं था, सिर्फ हमारे पास था। अब कहीं ना कहीं वो टैग भी तो हिलने वाला है ना। इस चीज से डर रहा है कि कभी मेरा किसी फलस्तीनी बच्चे से टकरा हो गया और उसने ये पूछ लिया मेरे से, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा कि आपके साथ बम था और हम मर रहे थे और हमें आपने बचाया नहीं। मैं तो उस दिन से डर रहा हूँ कि हमें वो दिन ना। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि यहां पे जो इसराइल ने सोचा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ है। यहां पे जो पैसा है ईरान ने और डाला है, हथियार ईरान ने और डाले हैं, और इस पूरे एरिया में और आपके जो वेस्ट बैंक का एरिया है, ठीक है जी, और आपकी जो गाजा पट्टी का एरिया, ये पूरा इवन दिस इज जेरूसलम, यहां पे आसपास फाइटिंग इंटेंसिफाई हो रही है। लोग लोन वुल्फ अटैक्स कर रहे हैं, अकेला एक बंदा आया पिस्टल से लेकर दो तीन को गोली मार दी, एक की हत्या कर दी, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। और खास तौर से बेरूत के आसपास अब इजरायली स्पेशल फोर्सेस रेड कर रही हैं, अंदर गाजा के अंदर तुम्हार पड़ी रही है, उनको वेस्ट बैंक में एक्शन शुरू हो रहा है, ये सारी की सारी यानी कि फाइटिंग इंटेंसिफाई हो रही है। और ये कौन सी फाइटिंग है दोस्तों? ये वो वाली फाइटिंग है जिसमें सड़क के बीच में, गलियों के बीच में, घरों के बीच में जाके वो वाली लड़ाई, ये गंदी लड़ाई है यार। इसको हम लोग फौज में कहते हैं फिबुआ, FIBUA, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। और कहा जाता है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज इज अमंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट फाइट्स। आप एक बार घुस जाओ कॉन्क्रीट जंगल में फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। यहां पे स्नाइपर, यहां पे IED, क्लीन लड़ाई नहीं है, गंदी लड़ाई है। एक बार आप घुस गए तो फिर भाई खून खराबे के साथ ही आदमी निकलता है, अगर निकलता है तो। दोस्तों वहां पे फ्रांस ने मना कर दिया है इसराइल को कि हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे, फ्रांस ने मना कर दिया। इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो कहता है कि नहीं यार हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम वहां पे सिविलियंस को मार रहे हो। इसराइल ये कह रहा है कि यार हमास को कोई कुछ नहीं कह रहा, हिजबुल्ला को कोई कुछ नहीं कह रहा, ये तुम्हारे बड़े सगे बड़े लड़ले बन गए, हम सिविलियंस को मार रहे हैं, ये सिविलियंस के बीच में रहते हैं इसलिए वहां पे कोलैटरल डैमेज हो रहा है। फर्क है दोस्तों, जब ये लोग आते हैं ये डायरेक्टली सिविलियंस को ही टारगेट करते हैं। मैं हमास वालों की बात कर रहा हूं, 7th of October की मैं बात कर रहा हूं, ये गए स्पेसिफिकली सिविलियंस को। जब इजरायली फोर्सेस अंदर जाती हैं दे डोंट डिलिबरेटली टारगेट सिविलियंस, पर अगर हमास अपने रॉकेट अस्पताल में रखेगा तो बस अस्पताल तो फूकेगा। इसमें जिम्मेदारी हिजबुल्ला की है, इसमें जिम्मेदारी हमास की है। यहां पर अब मैं दोबारा आपको बताता हूं, यहां से अटैक है। अब इनके पास ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला तो एरिया ब्लॉक्ड है, इसकी कोई बात नहीं है। ये इजिप्ट वाला एरिया है तो इसको छोड़ दीजिए, यहां पे कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां से डिप्लोमेटिक प्रेशर है टर्की से, राइट, और पूरा आप ये लगा लीजिए कि ये यमन हुथी का एरिया, ये पूरा इलाका यहां पे हुथियों का इन्फ्लुएंस है। अगर कोई भी जहाज ऐसा जाता है यहां से दोस्तों इसराइल की ओर, ठीक है, सुएज कैनाल, मतलब यहां से आप गल्फ ऑफ एडन से ले लो आगे तक, हुथी उसको टारगेट करेंगे। ये हुथी मलेशिया किसका है? ये भी ईरान का है। तो फ्रांस का मना करना कि हम आपको हथियार नहीं देंगे, ओ भाई तुम हथियार नहीं दोगे तो 10 और लोग हैं जो हथियार देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा कड़क जवाब दिया है, इसने बोला है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। ये क्या कर रहे हो तुम? हम तुम्हारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं यार, दुनिया भर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस।